आज हम क्रिएट करने वाले हैं एलिगेंट लोगो एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स। बहुत ही एलिगेंट तरीका है, सिंपल वे से क्रिएट करने वाले हैं, बट एनिमेशन बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। जो दिमाग में चल रहा है, अगर वो सक्सेस हो गया सो इट विल लुक रियली रियली अमेजिंग गाइस। सो आपको सीन के में मेरा यहाँ पे लोगो दिख रहा है, प्लस मेरे लोगो के टेक्स्ट भी यहाँ पे विजिबल है आपके पास। सो दोनों को हमें एनिमेट करना है, बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको रिवील करने के लिए। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. तो मैं पहला काम ये करता हूँ, मेरा पेन टूल नहीं बट एक बार रूलर ओपन करते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ। लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट जूम ओवर हियर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मुझे सेट करना है कुछ इस हिसाब से। हाँ भाई, तो ये प्रॉपर जगह पे यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो लेट मी ड्रॉ अ वन लाइन। थोड़ा इसको क्या करेंगे, मिनिमाइज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, गुड इनफ। और मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ इस हिसाब से। लेट्स प्रेस द शिफ्ट। ये ड्रॉ हो चुका है। कलर हम चूज कर लेते हैं हमारा ब्लैक शेड जो मेन है, वही लोगो का जो शेड है वही शेड हम क्या करेंगे यहाँ पे चूज करने वाले। ओके करता हूँ। और इसका थिकनेस मैंने 45, आई थिंक थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, बट लेट मी गो विद द 43 ऑलमोस्ट। तो 43 के आसपास की थिकनेस के ऊपर चलते हैं हम लोग। That means it's good. 43 भी ज्यादा लग रहा है मुझे, so I'm just going with the 38. Is it going to be good? Okay. Still it's looking little bit ज्यादा, तो थोड़ा कम करते हैं हम लोग। Let's go for the 34. Okay, now that's look good enough. ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो मूव टूल सिलेक्ट करते हैं और इस लाइन को मुझे शिफ्ट करना है जो हमारा रूलर है ना बिल्कुल उसके ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे बेस पे इसको सेट करना है। ओके, दैट्स लुक गुड इनफ। तो ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। अब इसको जरा मिनिमाइज करते हैं, रूलर को हटा देते हैं यहाँ से, और गाइड भी नहीं चाहिए तो गाइड को भी यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। तो पहला काम क्या करना है, मुझे इसको एनिमेट करना है। तो एक तो इसको अलाइन कर लेते हैं पहले तो कंपोजिशन के सेंटर के अंदर। यस, दैट्स गुड इनफ। और इसका पॉइंट थोड़ा मुझे शिफ्ट करना है, तो मैं पाथ इसको ओपन कर रहा हूँ कि भाई ये किस हिसाब से यहाँ पे जाना चाहिए, दैट एग्जैक्टली वी नीड। तो यहाँ पे मैं पहले तो पाथ ओपन कर लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं मूव करूंगा। ऑलमोस्ट मुझे सेट करना है यहाँ तक जहां से मेरा ये लोगो एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब लोगो बनना स्टार्ट हो रहा है। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सेम तरीका यहाँ पे भी वही चीज करते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एंड लेट्स मूव इट समथिंग लाइक ऑलमोस्ट ओवर हियर। ओके, गुड इनफ। तो ये मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसको एनिमेट करना है सबसे पहले इसका ट्रिम पाथ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं, एड में चलते हैं और ट्रिम पाथ अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे। लेट्स ओपन दिस। और अगर मैं यहाँ पे इसको जीरो करूँ तो इस तरह से जा रहे हैं, तो आई वी हैव टू स्टार्ट एनिमेट द स्टार्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे। और इसका स्टार्टिंग वैल्यू मुझे यहाँ पे जीरो कर देना है। पेज डाउन और पेज डाउन 20 फ्रेम आगे चलते हैं। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको जीरो करता हूँ, चले आएंगे यहाँ पे आगे, पेज डाउन 10 फ्रेम पे चलता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको एंड पे की दे देंगे यहाँ से। पेज डाउन 20 फ्रेम। और अब इसको एग्जैक्टली कहाँ तक लेके जाना है, हमारा ये वाला जो पॉइंट है वहां तक लेके जाना है। सो लेट्स एड द 33। थोड़ा प्रिसाइसली काम करना पड़ेगा। 35। ओके, तो 34 आई थिंक हमारा काम कर जाना चाहिए। हल्का सा डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके डन। तो यहां तक का ये हमारा एनिमेशन रेडी हुआ है। अब यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं हम लोग गाइस, चलते हैं यहाँ पे। और मैं एग्जैक्टली ग्राफ को कुछ इस हिसाब से अभी के लिए एडिट कर रहा हूँ, बाकी कोई चेंजेस नहीं करते। तो यहाँ पे होगा क्या भाई, एनिमेशन कुछ इस हिसाब से होगा। यस, दैट लुकिंग रियली अमेजिंग। तो अब इसके बाद आना चाहिए मेरा टेक्स्ट लेयर। तो जो मेरा टेक्स्ट है उसको मुझे क्या करना है, रिवील करना है। कौन सा मेन वाला जो टेक्स्ट है उसे अभी मुझे सबसे पहले रिवील करना है। तो अब इसको हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं हम लोग का इस यहाँ पे। सो एग्जैक्टली कहाँ पे मेरा जो लाइन है इसका यू यहाँ पे प्रेस करते हैं एंड यू कैन सी दैट के भाई जैसे एग्जैक्टली हमारा ये फॉन्ट कहाँ पे। तो लेट्स सी दैट, यहाँ पे यू प्रेस करते हैं सॉरी एंड ग्राफ एडिटर में चलते हैं इसका प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद। सो एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे ये पिक है ना इसका, ये वाला पिक, यस दैट इज एग्जैक्टली इसी पिक से मुझे एनिमेशन स्टार्ट करना है मेरे टेक्स्ट का। तो यहाँ से ग्राफ से बाहर निकल के आते हैं और ये वाला टेक्स्ट है, इसका पोजिशन हम सबसे पहले चूज कर लेते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे चला आऊंगा मैं ऑलमोस्ट इस जगह पे, यहाँ पे भी की दे देंगे। वापस चले आते हैं इस जगह पे। अब यहाँ पे पोजीशन क्या करना है मुझे,
नीचे की तरफ लेके जाना है, ऑलमोस्ट मैं इसको नीचे डाउन की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जब ये आएगा तब इसका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, सो मैं उसको ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ ऑफ द वैल्यू मैं इसको रखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रखूंगा। सो लेट्स प्ले दिस, और हमारा ये वाला फॉन्ट अभी के लिए हम हाइड कर देते हैं, ई लर्निंग वाला भी। ओके गुड इनफ, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड लेट्स चूज। ओके डन, इस बार भाई दोनों को F9 प्लेस कर देंगे, यहाँ पे चलते हैं एंड लेट्स मेक द ग्राफ समथिंग लाइक दिस अगेन। ओके गुड इनफ, सो नाउ एक बार नीचे वाले इन लेयर्स को हम सोलो कर देते हैं, ताकि क्या हो भाई हमें पता चले ये मेरा सोलो लेयर हो गया। लेट्स मेक माई बैकग्राउंड लेयर ऑल्सो सोलो एंड अगेन वॉट आई हैव माई टेक्स्ट लेयर ऑल्सो सोलो। सो अब अगर इसको प्ले करें एक बार, सो नाउ यू कैन सी दैट इट्स रियली गोइंग नाइस, अच्छे खासे तरीके से जा रहा है। लेट्स प्ले द एंड ओवर हियर अगेन, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ओके गुड इनफ, ओके गुड इनफ, ओके गुड इनफ, नाइस। तो ये सही तरीके से जा रहा है। अब ये क्या होना चाहिए, मेरे को हाफ ही दिखाना है इसको, पूरा नहीं दिखाना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक टूल यूज चूज कर लेते हैं, क्या करेंगे यस एक शेप लेयर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके लेट मी यूज द अगेन, मेरे गलती से वो निकाल दिया। देखो प्लानिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गाइस, ये चीजें जरूरी है। सो मैं अब क्या करूंगा, इस टेक्स्ट को जो यहाँ पे ऊपर तक आ रहा है ना, तो ऑलमोस्ट इस जगह पे, ओके लेट्स टेक अ मूव टूल अगेन, और ये लाइन मेरा यहाँ तक है, और एक्चुअल टेक्स्ट का पोजीशन जहां पे होना चाहिए था ये ऊपर की तरफ होना चाहिए था। ओके नॉट एन इश्यू, ये यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, लेट्स ड्रॉ अ शेप टूल फ्रॉम ओवर हियर, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको एक शेप ड्रॉ करते हैं हम लोग समथिंग लाइक दिस। स्ट्रोक इसका निकाल देते हैं यहाँ से, ओके करते हैं, लेट मी अप्लाई द फील ओवर हियर, कोई भी कलर अप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके करते हैं इसको। अब करेंगे क्या भाई, जो हमारा टेक्स्ट हम लेके आए मॉडरेट वाला, इसको सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में चलते हैं, चैनल में जाएंगे और मैं अप्लाई करता हूँ सेटमेट इफेक्ट। अब सेटमेट में जाके मैं चूज करने वाला हूँ शेप लेयर वन, तो शेप लेयर वन हमने चूज कर लिया, इसको यहां से हाइड कर देते हैं। नाउ लेट्स मेक इट इन्वर्टेड समथिंग लाइक दिस, ओके गुड इनफ। सो अब एक बार प्ले करते हैं कैसा दिखता है हमारा एनिमेशन। ओके इट्स लुकिंग नाइस, थोड़ा हमें क्या करना चाहिए, इसको नीचे लेना चाहिए। सो लेट ओपन द पोजिशन, और इसको थोड़ा मैं क्या करूं यहाँ नीचे की तरफ, इतना भी नहीं, ओके टेक इट लिटिल बिट अप, यस दैट्स गुड इनफ, ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है। सो अब इसको हटाते हैं यहाँ से एक बार एंड लेट्स प्ले इट अगेन। सी टाइमिंग बहुत जरूरी है, और जो एनिमेशन जनरेट करना है उसके लिए मेरे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि कुछ प्रॉपर तरीके से यहाँ से जाए। ओके नाउ दैट्स गुडी गुडी गुडी, बहुत ही बेटर तरीके से और अच्छा लग रहा है मुझे ये एनिमेशन, इट्स लुकिंग रियली नाइस। ओके बहुत ही बेटर है, सही है। अब क्या करना है भाई, इतना हो गया, अब उसके बाद इसको रिवील करना है। तो एक तरीका ये तो हो गया हमारा, अब आता है बात यहाँ पे कि भाई जैसे ये यहाँ पे आके अटकता है, तो लेट्स ओपन, इसको मैं नाम दे देता हूँ मैट ऑफ मेमो, ताकि भाई दिक्कत ना हो, हमें ध्यान में रहे कि ये क्या चीज है। अब आता है भाई वापस हमारा जो दोनों यहाँ पे तीनों लेयर है, जो यहाँ पे इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और कन्वर्ट करते हैं हम क्रिएट शेप फ्रॉम द वेक्टर। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन तीनों को सबसे ऊपर ले लेता हूँ और ये तीनों लेयर को मैं बैकग्राउंड लेयर के नीचे डाल देता हूँ, ताकि भाई ये डिस्टर्ब ना करे, और इनको क्या कर देंगे हम लोग, लॉक कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो अब ये तीन लेयर्स है मेरे पास, अब इसको मुझे क्या करना है, एनिमेट करना है यहाँ पे, बट कहाँ से एनिमेट करेंगे, तो लेट्स ओपन द लाइन लेयर, प्रेस यू, ये हो गया। और यहाँ पे हमारा साथ में क्या था, टेक्स्ट वाला लेयर भी था, तो इसका भी यू प्रेस कर लेते हैं। सो दोनों लेयर का एनिमेटेड प्रॉपर्टी यहाँ पे है, एक बार पहुंच गया। अब उसके बाद ये एनिमेशन मुझे स्टार्ट करना है, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप फॉर 1, 2, 3, 4 एंड 5 फ्रेम्स में, यहाँ पे एक पॉज लेने वाला हूं। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं कि ये तीनों जो शेप्स यहाँ पे बने हैं, इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, और तीनों के अंदर क्या होगा, आपके पास पाथ होगा, तो पाथ को यहाँ पे हमें कर देना है की अप्लाई। सो लेट्स अप्लाई द की ओवर हियर, तो ये भी मेरा की यहाँ पे बन चुका है। लेट्स ओपन दिस वन ऑल्सो, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँ, की अप्लाई कर देता। अब तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और यू प्रेस कर लेते हैं, ओके शिफ्ट पेज डाउन एंड पेज डाउन, और इन तीनों कीज को क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे आगे, पेज अप, वापस 20 फ्रेम आगे चले आते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पाथ को हमें मैन्यूपुलेट करना है गाइस। सो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, टेंशन मत लीजिए, एक एक करके दिखाता हूं। तो पहला काम कौन सा करेंगे भाई,
कि हमारा जो ये वाला चीज है इसको मैनिपुलेट करेंगे या फिर किसको करेंगे। तो हम करते हैं, अब हमारा ये वाला यहाँ पे एनिमेशन खत्म हो चुका है। ओके लेट्स डू दैट। कहाँ की लाइन हमारी, अभी थोड़ी देर के लिए लाइन को हाइड करते हैं हम लोग। ओके नाइस, अब ये वाला पाथ है और उसके बाद ये वाला पाथ है, नाइस इनफ। अब इसको एडजस्ट करना है, सो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रूलर एडजस्ट करके रख रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। ये रूलर यहाँ पे लेके आ चुके हैं। अब इन दोनों वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, ड्रैग करने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस कर देना है और प्रॉपर तरीके से क्या यहाँ पे सेटल हो गया, राइट, गुड इनफ। सेम चीज मैं क्या करूंगा, अब इस वाले पाथ को सिलेक्ट करना है नीचे वाले यहाँ पे। अब एक और रूलर सेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे इसके पास, तो यस दैट इज गुड इनफ। अब इन पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे यहाँ पे, यस दैट्स गुड इनफ। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा। सेम चीज तीसरा, थोड़ा बहुत ना दो तीन पिक्सल का ज्यादा वेरिएशन नहीं। अब इसको भी ट्रैक करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। सो दैट इज डन ओवर हियर। तो अब क्या होगा, ये यहां से कुछ इस हिसाब से एनिमेशन करना स्टार्ट करेगा। तब इसकी कीज को पकड़ते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे क्या कर देंगे, हल्का सा हम ग्राफ को कुछ इस हिसाब से मैनेज कर देते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या होना, जैसे ये ऊपर चलते हैं वैसे ही मुझे क्या करना है, मेरे जो ये वाले टेक्स्ट है उसको भी ऊपर लेके आना। अब आप चाहो तो इसके लिए क्या कर सकते हो, एनिमेटर यूज कर सकते हो इंडिविजुअल फॉन्ट को ऊपर लाने के लिए, बट मैं सीधा सीधा पोजीशन से इसको ऊपर लाने वाला हूं गाइस, राइट। तो अब क्या करेंगे उसके लिए, पोजीशन से ऊपर लाने के लिए पहले तो मैं मेरा जो मेन दूसरा वाला टेक्स्ट हमने ई लर्निंग वाला हाइड करके रखा था, इसको रिवील कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये पता चले कि एग्जैक्टली कितना ऊपर लेके जाना है हमें हमारे टेक्स्ट को, राइट। तो अब यहाँ पे आने के बाद हमारा जो टेक्स्ट लेयर है, कहाँ गया भाई, मॉडरेट टेक्स्ट पोजीशन, सेम जगह पे यहाँ पे इसका पोजीशन स्टेडी रहेगा और इसी जगह पे हम चले जाएंगे एंड लेट्स गो अहेड। तो इसको क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके आएंगे। अब कितना ऊपर जाएगा, तो भाई यहाँ पे भी एक बार सेट कर लो ये वाला पॉइंट, तो यू कैन सी दैट अभी और ऊपर जा सकता है ये। ओके सो हम इसको यहां तक ऑलमोस्ट इस जगह पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे इसकी कीज को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्लेस करते हैं, ओके दैट इज गुड इनफ। अब सेम चीज क्या करना है, नीचे वाले कीज को भी हमने सेम तरीके से एनिमेट कर लिया है गाइस। सो अब क्या करेंगे भाई, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, यहां से सारे रूलर को हटा देते हैं एक बार, ओके गुड इनफ। एंड हाँ, लास्ट में एनिमेशन एक चीज का रह गया जो हमें फिर से करना है। सो व्हाट वी विल डू, यहां से ये स्टार्ट होने वाला है ऊपर, तो हमारा जो सेकेंड टेक्स्ट है हमारा कहाँ गया भाई, यस ई लर्निंग ये वाला टेक्स्ट है, तो इसका पोजीशन हम यहाँ पे ओपन करेंगे, गुड इनफ। और चलते हैं आगे वाली की के ऊपर, यहाँ पे सेट करेंगे, पहली की पे आ जाएंगे, थोड़ा इसको क्या कर देंगे यहाँ पे नीचे ले लेंगे, नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर वो ऊपर चला जाएगा। कीज को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे ग्राफ को कुछ इस हिसाब से हम लोग एडिट कर देंगे, सो दैट्स गुड इनफ। तो ये भी यहाँ पे रेडी हो चुका है और यहाँ से एक एंड दो की फ्रेम आगे चले जाएंगे और इसको यहाँ से क्या कर देंगे, लेयर को ट्रिम कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी आर फाइनल एनिमेशन। हाँ बट अभी एक छोटा सा दिक्कत कि ये एनिमेशन जैसे ही स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे हमारा, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो लाइन वाला लेयर था इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा, और जो हमारे टेक्स्ट वाले मतलब जो शेप वाले लेयर्स हैं, तो ये मेरे शेप वाले लेयर्स हैं तीनों के तीनों, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको यहां से ट्रिम कर दूंगा। सो नाउ दैट इज डन। अब देखते हैं हमारा फाइनल एनिमेशन कैसा दिखता है गाइस। ओके देखो, गलत जगह से ट्रिम कर दिया, ओह माय गॉड मैन। अच्छा रिवील नहीं किया हमने, ट्रिम तो नहीं किया बट गलत जगह पे। ओके नाउ दैट इज रिवील्ड, ट्रिम सही किया था हमने, रिवील नहीं किया था। वाओ इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग, यू कैन सी दैट बहुत ही सिंपल टेक्निक था बट यू कैन सी दैट बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्या हुआ है हमारा मेमोरेटेड लोगो का एनिमेशन, बहुत ही एलिगेंट वे पे हमने जनरेट किया, कितना सिंपल है बट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये जनरेट हुआ है। सिंपल टेक्निक गिव यू अमेजिंग रिजल्ट समटाइम्स। सो आई होप ये तरीका आपको पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।